नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग को मैं माइबन फॉर्मेट का कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज ऑयलर क्लैंप इन माइबन शटरिंग। तो माइबन शटरिंग में ऑयलर क्लैंप को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली देखिए, ऑयलर क्लैंप यूज होता है माइबन फॉर्मवर्क में अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है? अलाइनमेंट करने के लिए जनरल जो ऑयलर क्लैंप यूज होता है ना, तो माइबन फॉर्मवर्क को हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करते हैं और वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं ऑयलर क्लैंप लगा के, ठीक है? ऑयलर क्लैंप में आपका 50 mm by 50 mm का स्क्वायर ट्यूब लगता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई चैनल क्लैंपिंग हुई तो ऑयलर क्लैंप सेम, मतलब ऑयलर क्लैंप में कौन सा साइज का चैनल यूज होता है, ठीक है? तो 50 by 50 mm का स्क्वायर पाइप यूज होता है, ठीक है? एमएस का यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रेडी स्लिप कवर फॉर कंक्रीट। तो स्लिप कवर आप कैसे रेडी करोगे, तो बता देता हूँ। स्लिप कवर मतलब हम लोग क्वार्टर में लगाते हैं, ठीक है? क्वार्टर को सेफ रखने के लिए, इजीली निकालने के लिए स्लिप कवर को यूज करते हैं हम लोग। तो स्लिप कवर हम लोग कभी कैसे रेडी करेंगे, तो देखिए, स्लिप कवर जो है ना, पीवीसी सीट आता है, ठीक है, व्हाइट अलग अलग कलर का होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीवीसी सीट आता है, पीवीसी सीट और पीवीसी रोल आता है, ठीक है? ये दोनों मिलके स्लिप कवर बनता है, ठीक है? पीवीसी सीट को आप 93 mm चौड़ाई में काटना पड़ेगा और आपका जो वॉल का लेंथ रहेगा, मान लीजिए 230 mm वॉल का लेंथ है, तो 230 mm साइज का आपका काटना पड़ेगा। 230 mm से थोड़ा 2-3 mm कम काटेगा तो चलेगा, ठीक है? और पीवीसी सीट जो है वो थोड़ा बड़ा करके काटना पड़ेगा, ठीक है? पीवीसी रोल जो है वो थोड़ा बड़ा करके काटना है, ठीक है? 230 mm वॉल का लेंथ होगा तो थोड़ा 10 mm बड़ा करके काटोगा, 240 mm और पीवीसी सीट को थोड़ा कम करके काटो, ठीक है? पीवीसी रोल का अंदर पीवीसी सीट फोल्ड करके लगा देना है, ऐसी बन जाएगा स्लिप कवर, ठीक है? स्लिप कवर का हम लोग कॉयल ग्रीस लगा के वॉल टाइम में यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए, पीवीसी रोल जो है वो हम लोग वन टाइम यूज करते हैं और पीवीसी सीट जो है वो हम लोग 3-4 times यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू यूज अलाइनमेंट क्लैंप इन माइबन शटरिंग। माइबन शटरिंग में अलाइनमेंट क्लैंप आप कैसे यूज करोगे, तो माइबन शटरिंग में जो अलाइनमेंट क्लैंप है ना, वो अलाइनमेंट करने के लिए माइबन फॉर्मर को यूज होता है, ठीक है? अलाइनमेंट क्लैंप का तो पिक्चर आप लोगों को देखा है मैंने पहले, तो ऐसा ही होता है, तो वो एडजस्टेबल होता है, ठीक है? अलाइनमेंट क्लैंप तो एक्चुअली माइबन फॉर्मेट को अलाइनमेंट करने के लिए यूज होता है अलाइनमेंट क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, हाउ डू यू सपोर्ट वर्टिकली इन मोनोलिथिक कंक्रीट स्ट्रक्चर। हम लोग माइबन फॉर्मवर्क क्या करते हैं, मोनोलिथिक कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, पूरा पूरा बिल्डिंग करते हैं माइबन फॉर्मवर्क से, तो वर्टिकली सपोर्ट वहाँ पे कैसे दोगे? तो वर्टिकली सपोर्ट देने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं सोल्जर, ठीक है? सोल्जर सपोर्ट यूज करते हैं। व्हाट इज बीकेएस इन माइबन फॉर्मवर्क। तो माइबन फॉर्मवर्क में बीकेएस का मतलब क्या है, बीकेएस मतलब बीम किकर स्ट्रिप, ठीक है? तो ये जो इस
ये जेनरली किकर को अलाइनमेंट करने के लिए यूज होता है, बिकॉज पत्ती जेनरली किकर को अलाइनमेंट करने के लिए यूज होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कटआउट बॉक्स साइज। कटआउट बॉक्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 250 mm बाय 750 mm बाय 250 mm, ठीक है। तो 250 mm चौड़ाई, 750 mm लंबाई और आपका 250 mm डेप्थ होता है कटआउट बॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do you provide cutout box in Myvan Formwork? तो Myvan Formworks में हम लोग cutout box किस लिए provide करते हैं? तो actually cutout box provide करते हैं material shifting करने के लिए। तो typical floor के लिए, high-rise building के लिए हम लोग Myvan Formwork use करते हैं। तो वहाँ पे नीचे floor से upper floor में material shift करने के लिए cutout box use होता है। जनरली आपका फॉर्मवर्क का जो भी मटेरियल है वो नीचे से ऊपर शिफ्ट करने के लिए। व्हाट इज द होल डायमीटर इन Myvan Formwork? Myvan Formwork में जो होल है वो क्या डायमीटर कितना है? 16 mm होता है। व्हाई प्रोवाइडेड किकर इन Myvan Formwork? Myvan Formwork में हम लोग किकर को क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो हम लोग किसके लिए किकर को प्रोवाइड करते हैं? तो वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए और Myvan Formwork को कंटिन्यू करने के लिए नीचे से ऊपर तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अभी तक जो क्वेश्चन आंसर समझा है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।